दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से स्वागत करता हूँ यांत्रा काट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हमारे पास बहुत सारा सवाल आ रहा था कि ब्रश कटर के साथ जो अटैचमेंट्स आता है उसको फिट कैसे किया जाता है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग ये वाला वीडियो लाए हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारे सामने एक ब्रश कटर है और इस तरफ कुछ अटैचमेंट्स रखा हुआ है, जैसे कि ये फ्लैट टाइप टीलर अटैचमेंट और पीछे जैसे देख सकते हैं ये चेनसॉ अटैचमेंट है और वो वाला पैडी कट। और इस तरफ देखेंगे तो आपको एक राउंड टाइप टीलर अटैचमेंट दिखेगा। तो दोस्तों हम लोग आज इसी को सीखेंगे कि ब्रश कटर के साथ राउंड टाइप टीलर अटैचमेंट कैसे फिट होता है। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। तो सबसे पहले दोस्तों ब्रश कटर का जो रॉड है और इंजन है उसको पहले फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ब्रश कटर तो फिट हो गया है, अभी हम लोग ये टीलर को कैसे फिक्स किया जाता है वो वाला दिखाते हैं। टीलर को फिट करने से पहले हमको ये वाला खोलना पड़ेगा, ये वाला आप ऐसे इसको लूज कर देंगे। ये वाला खुल जाएगा, फिर आपको टीलर दिखाते हैं। टीलर के यहाँ पे बहुत सारा नट लगा हुआ है, इसको पहले लूज करना पड़ेगा। देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा लूज कर लेते हैं। अब अंदर है, इसका ये रॉड डालना पड़ेगा। रॉड का जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा अंदर तक जाएगा। ये अंदर आ गया, इसको टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसको थोड़ा अच्छे से टाइट कीजिएगा क्योंकि जब मशीन घूमेगा, सॉरी मशीन जब स्टार्ट होगा तो टीलर घूमेगा और ये बहुत ही वाइब्रेट होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हम लोग टीलर अटैचमेंट को फिक्स कर लिया है ब्रश कटर के साथ। अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए पहले हम लोग को ये स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों स्टार्ट करने के लिए तो स्विच को यहाँ पे करना है, स्विच पहले ऑन करना है। ये ब्रश कटर स्टार्ट हो गया है। ब्रश कटर स्टार्ट होने से भी देख सकते हैं कि वो वाला नहीं घूमेगा। यहाँ पे देखेंगे तो टीलर नहीं घूम रहा है। अभी हम लोग इसको घुमा के देखेंगे, तब तक ये एक्सेलेरेटर नहीं देंगे तब तक वो नहीं घूमेगा। दोस्तों तो आप देख ही लिए कैसे
जो राउंड टेल अटैचमेंट है वो कैसे घूमता है और कैसे फिट होता है। आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे फ्लड टाइप टेल अटैचमेंट फिट होता है। तो दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कुछ भी क्वेश्चन रहा मन में तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछिए।